नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की मस्ती में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि श्राद्ध पक्ष आरंभ होने जा रहे हैं। श्राद्ध में अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, आज हम इस विषय में बात करेंगे। यदि आप पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद भी आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी है, तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पित्र स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पाठ सुबह और शाम दोनों समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आप इस पाठ को प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध में इसका पाठ अवश्य करें। यह पाठ संस्कृत या हिंदी किसी भी भाषा में किया जा सकता है, इसीलिए सभी की सुविधा के लिए इस पाठ को हम हिंदी में पढ़ेंगे। आप इस पाठ को प्रतिदिन पढ़ें अथवा सुने। पित्र स्त्रोत्र पाठ। जो सबके द्वारा पूजनीय, निराकार, दिव्य दृष्टि से पूर्ण, बहुत अधिक तेज वाले और चिंतन करने वाले हैं, उन पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इंद्र आदि सभी देवतागण, मरीच आदि सप्तऋषि, दक्ष और दूसरों के भी नायक हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले उन सभी पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जो मनु आदि राजऋषियों, सभी मुनियों तथा चंद्रमा और सूर्य के भी नेता हैं, उन सभी पितृगणों को मैं जल और समुद्र में प्रणाम करता हूँ। सभी ग्रहों, नक्षत्रों, वायु, अनल, नभ, भूतल और धरती के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जो देवता माने जाने वाले ऋषियों के जन्मदाता, सभी लोकों में वंदनीय और अक्षय फल को देने वाले हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रजापति कश्यप, सोम, वरुण तथा योगी राज के रूप में स्थित 7 पितृगणों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो योग दृष्टि में पूर्ण है, उन स्वयंभू ब्रह्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं चंद्रमा के आधार पर स्थापित तथा योग मूर्तिधारी पितरों को नमस्कार करता हूँ और सारे संसार के पिता सोम को प्रणाम करता हूँ। अग्नि के समान पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सारा संसार अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं और जो चंद्रमा, सूर्य तथा अग्नि की तरह दिखाई देने वाले हैं और जो ब्रह्म स्वरूप और जगत स्वरूप हैं, उन सभी पितरों को मैं स्थिर चित होकर नमस्कार करता हूँ। उन्हें बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहे।